हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? इस समय जो है रात के हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। मैं ना अभी सिर धो के नहा के आई हूँ, देखो। ठीक है, और आज मैंने जो वहाँ से बॉम्बे से जो मैंने टी शर्ट खरीदी थी वो पहनी है, और नीचे जो पजामा पहना है ना वो साथी ने मुझे दिया है। मतलब उनको ना ढीला हो गया था इलास्टिक, उसने बोला ये मेरे को नीचे ले जाओ। उसने काफ़ी कुछ कपड़े दिए हैं, मतलब जो उसने नहीं पहनने वहाँ पर, तो कुछ हम लेके यहाँ से गए थे, कुछ उसको जो नहीं पहनने वो दे दिए। तो ये पजामा तो मुझे आ गया आराम से, मेरे पास पजामों की वैसे भी शॉर्टेज थी। और टी शर्ट मैंने न्यू वाली पहनी है आज, क्योंकि पहली बार पहनूँ कैसी लगती है। और बाकी जो है मैं नाके आई हूँ, और नाके अब मैं पी रही हूँ चाय, चाय के साथ खारी पकौड़े और बिस्किट। ठीक है, और उसके बाद मुझे करना है वो, देखो पीछे से झांक रहे हैं, देख रहे हैं, हैं। और उसके बाद मुझे इनके लिए बनाना पड़ेगा नींबू पानी। और ये जब पूछा कि क्या खाना है आजकल, चाय तो इन्होंने बिल्कुल ही पीनी छोड़ दी है, और इन्होंने जो है मतलब ना सुबह ना शाम एक बार भी नहीं पीते। और मैंने इन्हें बोला मैं फल काट देती हूँ, एप्पल पड़े हुए हैं, अमरूद पड़ा है, और एक बबू गोशा पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा वो काट देती हूँ। तो वो कह रहे ठीक है काट देना, मैं इसके बाद चाय पी के भी ये काम करने वाली हूँ। और बाकी जो है और बहुत सारी बातें करनी है मुझे, अभी करती हूँ मैं 5 मिनट में, पहले मैं चाय पी लूँ, क्योंकि चाय ठंडी होगी ना तो सही नहीं रहेगा। ये पकौड़े मैंने कल शाम को बनाए थे, खूब मैंने कल रात को बनाए थे, अब सारे पेट भर के खाए थे मैंने पकोड़े, क्योंकि मुझे आया था गुस्सा एक बात पे, और लालच भी आया था, गुस्सा भी आया था, तो मैंने बनाए पकोड़े और खूब सारे खाए रात के खाने। मैंने बस पकोड़े खाए, पकौड़ों से मेरा पेट, मतलब गरम गरम पकोड़े खाए जाते हैं ना तो बाद में पेट अच्छे से भर ही जाता है, मतलब तो भूख ही नहीं लगती है। तो कल मैंने खूब सारे खाए, थोड़े से बचे थे जब अभी खाने लगी हूँ। और अभी मैं बात करती हूँ आपसे ये खाकर, फिर मिलती हूँ। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? इस समय मैं फिर फल काटने बैठ गई हूँ। नींबू पानी के पापा को बना के दे दिए, क्योंकि मैंने चाय पी ली अपनी, और चाय खा मैंने पकोड़े खाए, बिस्किट खा लिए। अब इसके पापा जैसे ना अभी आए, कैर पकोड़े ढूंढ रहे थे इधर उधर, कह रहे कहा फ्रिज में छुपाए होंगे। मैंने कहा जब आपको पूछा जाता है आप कहते हो कि मेरे को नहीं खाने, तो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि इनकी ना पेट में गड़बड़ हो जाती है जब भी। अभी पिछले 3-4 दिन से बीमार चल रहे थे आपको बताऊँ तो, क्योंकि ना ये जब ट्रेन में आए ना तभी उन्हें बुखार चढ़ गया है, ट्रेन में वापसी आते टाइम जुकाम खांसी और बुखार चढ़ गया था, 2-3 दिन रहा। और ये इतने अच्छे हैं कि दवाई इन्होंने खानी नहीं है, और डॉक्टर के पास इन्होंने जाना नहीं है, क्योंकि कहते मेरे पैसे लग जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। कोई काढ़ा वाड़ा बना के दूँ या कुछ दूँ तो, या बोलूँ गरारे कर लो कुछ कर लो, वो नहीं करने हैं। कहते मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं अपना इलाज खुद ही करूँगा, कुछ मेरी सुनते नहीं है, मैं कहा जो मर्जी करो। पर अब आज ठीक है। और क्या होता है जब भी कुछ भी उल्टा सीधा खाया जाए ना, इनसे सबसे पहले इनके पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो इसके और जब पेट में गड़बड़ होती है ना तो ये क्या करते हैं, खाना पीना ही छोड़ देते हैं, बस पानी और नींबू पानी के भरोसे बैठे रहते हैं। ठीक है, और जब खाना छोड़ देते हैं तो मुझे हो जाती है टेंशन की भी खाना ही नहीं सारा दिन इंसान खाएगा तो ताकत कहाँ से आएगी, वो ठीक कैसे होगा, ना खाना खाना है ढंग से, ना दवाई खानी है ढंग से, तो करे कोई क्या। अच्छा हुआ क्या कि फिर अब इनका आज ये ठीक है, कल भी तबीयत थोड़ी ठीक, कभी बुखार थोड़ा सा कम हो जाता था, कभी तेज हो जाता था, कभी कम हो जाता था। मैंने बहुत समझाया डॉक्टर के पास, चलो चलो, मैंने मजाल है कि इन्होंने जाना है वो डॉक्टर के पास, अरे मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, खाना छोड़ दूंगा ना तो अपने आप पेट मेरा ठीक हो जाएगा और उसके बाद बुखार भी ठीक हो जाएगा। तो सुनते तो है नहीं। तो कल क्या हुआ था, मैंने बनाए थे पकौड़े। पकौड़े मैंने क्यों बनाए थे वो भी बता, उसके पीछे भी एक कहानी है। क्या हुआ था कि वहाँ से बॉम्बे से वापस आई हूँ ना, तो तब से मेरे दिमाग में एक चीज़ कीड़ा घुस गया है कि दिमाग में कि मुझे ना वहाँ जाना है, क्या कहते हैं सुल्तानपुर लोधी जगह, वहाँ पे जाना है। वहाँ गुरु नानक का 550वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहाँ पे 3-4 गुरुद्वारे हैं जहाँ पर वो गुरु नानक गए थे वहाँ पर, तो वो वहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे मनाया जा रहा है। उसकी ना रोज वीडियो मेरे सामने आ रही है, मैं वीडियो भी देख रही हूँ, और उन वीडियो को देखते हुए मुझे इतना मन कर रहा था कि मैं उस जगह पे जाऊँ और 3-4 दिन लगा कर आऊँ वहाँ पर, मेरा बहुत मन था अच्छा। तो मतलब कि अमृतसर गुरुद्वारा भी मैंने सोचा, वहाँ तो मैं कई बार जा चुकी हूँ पर सुल्तानपुर लोधी में एक बार भी नहीं गई, और ये जगह पड़ती है कपूरथला में पड़ता है। ठीक है, अब इनको मैं पटा रही थी, मान नहीं रहे थे, कह रहे अभी तो बॉम्बे से होकर आई है, अब तुझे कपूरथला जाना है। तो ये मान नहीं रहे कि भाई मैं कहाँ से इतना खर्चा करूंगा, ये वो, तो ये मान नहीं रहे थे। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं ना वीडियो देख रही थी, उसमें बताया था वहां पर, वीडियो में दिखा रहे कि इतना मतलब अच्छे तरीके से बना रहे लोगों के रहने का इंतजाम, अब तक कम से कम 3-4 लाख लोग वहां पहुंच चुके हैं,
और अब तो ज्यादा ही पहुंच गए होंगे, जब मैं वीडियो बना रही थी तब तो और भी ज्यादा आ गए होंगे इतने, मतलब वैसे वो जो छोटा सा एक वो है गांव है वो, और वहां पे 10-15 हजार की जनसंख्या है वहां के, पर अब जो उनका 550वां बना रहे थे कुछ बड़े बड़े मतलब जो है एनजीओ वगैरह या संगठन आए हैं वो कर रहे हैं, बाहर की कंट्री से लोग आ रहे हैं पैसा लगा रहे हैं वहां पर, और आपको तो हैरानी होगी ना मुझे वहां देखकर, मतलब इतना अच्छा उन्होंने इंतजाम किया हुआ है कि लोगों के रहने का खाने का सारा इंतजाम है, और ना अखबार में आया था कि बसें भी फ्री चला रहे हैं। अब मैं ना कल सर्च कर रही थी, मैं कहा अगर फ्री में बसें चला रहे तो मैं क्यों ना चली जाऊं, तो पर अकेले मेरे को जाना मेरे लिए संभव भी नहीं है, एक तो मेरे पीठ में दर्द होती है, कई बार ज्यादा होती है कभी कम, तो मेरे को इसकी भी दिक्कत है, इसलिए अकेले और वो भी इतनी दूर जाना तो वो मेरे लिए दिक्कत थी। तो कल मैंने सर्च करा कि अगर फ्री बसें जा रही है तो मैं इनको पटाती हूँ, भाई तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, जाना आना फ्री हो जाएगा। तो और वहां पर जो है कपूरथला, मतलब वहां खाना तो वैसे ही लंगर इतने अच्छे अच्छे लंगर लगे हुए हैं, वीडियो देख के वहां पे उन्होंने लंगर में, बताओ कभी देखा लंगर में पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, जलेबियां, और मतलब सारी वीडियोस आ रही है सामने जो मैं देख रही हूँ, और उसको देख के मुझे लालच आ रहा है कि मुझे वहां जाके अपनी वीडियो बनानी चाहिए, मतलब वहां जो प्रोग्राम हो रहे हैं इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं उसको शूट करूं और सब कुछ करूं, मेरे को बहुत मेरा मतलब मन था पर मैं नहीं जा पा रही। अगर कोई बच्चा घर में होता ना मेरे साथ कनिका स्वाति में से होता, हो सकता उनको पटाखे ले जाती मैं, पर इसके पापा नहीं मान रहे थे, ठीक है। और वहां लोगों के रहने का क्या इंतजाम है सब मतलब दिखाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा था वो, तो उसमें बताओ क्या क्या कितने मतलब ऐसे इस तरह की मतलब दिखा रहे हैं कि जैसे शादी में खाना बनता है ना इस तरह वहां लंगर में खाना बन रहा है, बताओ इतना अच्छा। और 4-4 घंटे बाद सब्जी चेंज हो रही है वहां पर, सब्जी चेंज कर देते हैं और इतने लोग मतलब सेवा भी कर रहे हैं, तो मेरा मन भी था कि मैं जाती हूँ वहां पे कीर्तन भी सुनती, 3-4 दिन वीडियो भी बनाती और मैं सेवा भी करती, तो मेरा बहुत ही मन कर रहा था। पर ये जो थे ना, ये कल मैं वीडियो देख रही थी, वो बता रहे थे कि देखो यहाँ पकौड़े बन रहे, यहाँ पे ये बन रहा वो बन रहा सब दिखा रहे थे, तो मुझे मेरे को भी फिर आया कि मुझे पकौड़े खाने हैं, तो मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरे को जाना था मैं नहीं जा पा रही। तो क्या हुआ कि फिर पकौड़े खाने थे, मैंने क्या करा, पालक इन्होंने वीर बाजार में मेरे को ला के दे दी थी, कटवा कर भी नहीं लाए, कह रहे खुद ही काटो, तो मैंने क्या करा अगले दिन उसको खुद ही काटा शुक्रवार को, और रात को मैंने मतलब उसको धो के उबाल के रख दिया था, पीस के भी रख दिया था। तो आज मैंने क्या करा, उसको सुबह तड़का लगा के मतलब साग पालक का बना लिया, और उसके साथ आज हमने दोपहर का खाना खाया है, और इस समय पता नहीं अब मैं क्या खाऊंगी, अभी मेरा मन कुछ चावल वावल खाने का ही कर रहा है, कि या तो आलू मटर की सब्जी है, चावल ये खाने का मन कर रहा है, क्योंकि एक बार खाना है रोटी खा लो ना दोबारा खाने का मन नहीं करता। अच्छा तो हुआ क्या कि फिर मेरे को गुस्सा आते हैं, तो मैंने वो ना कल शाम को फिर मैंने सोचा पालक तो पड़ी है, उबाल के भी रख दिए मैंने, तो क्यों ना मैं पालक के पकौड़े बना लूं, तो कल मैंने बनाए पकौड़े। अब इन्होंने बोला मैंने नहीं खाने, तो मैंने इनको पूछा भी नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत भी जरा अप डाउन चल रही है, तो मैंने कहा एक भी पकौड़ा खा लिया इनके पेट में गड़बड़ हो गई ना, तो कहेंगे तूने खिलाया था एक दिन, उससे एक दिन पहले ना मैंने वो बनाया था बेसन का पूरा, एक इन्होंने खा लिया, अब एक इन्होंने खा लिया तो इनका पेट में ऐसा मतलब पेट इनका हैवी हो गया एकदम, कि मतलब पूरा हैवी होता है ना, तो इनको फिर दिक्कत होगी, कहते तूने मुझे पूरा खिला दिया इसलिए ऐसे हो गए मेरे पेट में। तो मैंने फिर कल पकौड़ों के लिए पूछा, बोले नहीं खाने, मैंने फिर दोबारा नहीं पूछा। तो कल मैंने जी भर के मतलब रात के खाने में मैंने पकौड़े खाए, आपको हंसी आएगी, रात के खाने मैंने पकौड़े खाए, और फिर पहले तो गरम गरम खाए गए, बाद में पेट अच्छे से भर गया बढ़िया, ठीक है। तो रात को मैंने फिर खाना नहीं खाया, इनको कुछ दे दिया था, इनको पता नहीं क्या दिया था मैंने, हाँ नमकीन चावल पड़े थे मेरे पास दही के साथ, मैंने इनको दे दिए थे, वो इन्होंने खा लिए थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि फिर अब जो पकौड़े अभी ना 4-5 पड़े हुए थे, तो चाय के साथ मैंने मजे से अभी चाय के साथ पकौड़े और वो खाई है, क्या कहते हैं बिस्किट खाए हैं, तो ये जब मैं खा लिया तो उसके बाद आके पकौड़े ढूंढ रहे थे, इतनी सियारी मतलब पहले सामने पड़े थे, तब तुम कहते नहीं मुझे नहीं खाने पकौड़े, नहीं खाना मैंने, है ना। अब जो आए थे अब खत्म हो गया ना, अभी देखो बर्तन हो गया खाली, अब मैं इनके लिए फल काटने वाली हूँ, अभी नींबू पानी दे आई हूँ और अभी मैं बनाऊंगी, बस वही बताया आपको मेरे यहाँ आलू मटर की सब्जी और चावल बनाऊंगी, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर सारा चीजें मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ हांडी में बनाने की, नमकीन चावल कोई दाल बनानी है वो, या कोई हल्की फुल्की जो सब्जी जल्दी बन जाती है वो बनानी हो, सब कुछ मैं हांडी में बनाती हूँ। अब दोनों हांडियाँ चालू कर ली है मैंने, दूसरी भी कर ली है, ठीक है। और जो बड़े वाले मग्गे लाई थी ना उसमें मैं दही जमाती हूँ एक मग्गे में, जब वो मग्गा थोड़ा धुने वाला हो जाता है तो फिर दूसरे में जमाना शुरू कर देती हूँ, तो पहले वाले को धो के रख देती हूँ, और जो छोटा वाला गिलास है उसमें मैं पीती हूँ चाय, ठीक है। तो सारे बर्तन मेरे यूज हो रहे हैं। तो आज मैंने ना एक दो दिन पहले मैंने वीडियो एक देखी थी, उसमें बताया कि एक बड़ा यूट्यूबर है लेडीज, तो उन्होंने अपने सारे एल्युमिनियम के बर्तनों को रिप्लेस कर दिया स्टील के बर्तनों में, खूब सारे स्टील के बर्तन वो लेकर आई और वो दिखा भी रही थी कि देखो मैं बर्तन लाई हूँ।
कौन कौन से लाई, क्या क्या लाई, तवा भी लेकर आई थी, मतलब अननोन स्टिक वाला, इस तरह से मतलब जो उन्होंने बर्तन दिखाया ना, तो अच्छा लगा कि लोग एल्युमिनियम को रिप्लेस कर रहे हैं स्टील के बर्तनों से, वो भी अच्छी बात है। स्टील के बर्तन भी अच्छे हैं, मिट्टी के बर्तन भी अच्छे हैं, और वो उसके भी क्या कहते हैं जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, एक और मैं भूल गई, नाम ही भूल गया, उसके पित्तल के बर्तन, हाँ वो भी अच्छे हैं, ठीक है। नॉन स्टिक अच्छे हैं, लेकिन उनको फिर ढंग से यूज करना पड़ता है, कि अगर उसका वो उतरनी शुरू हो जाए ना पॉलिश, तो फिर उसको यूज नहीं करना, वो उतरती उतरती सारी पेट में ही चली जाती है धीरे धीरे, तो उसके उस बर्तन के साथ ये दिक्कत है। अगर वो पॉलिश उतरती है ना, उतरती उतरती नीचे से एल्युमिनियम निकल आता है आराम से, ठीक है। तो स्टील के उससे बेहतर है तो फिर स्टील के बर्तन यूज कर लो। तो चलो मैं तो हांडी यूज कर रही हूँ, पर अभी मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी, देखती हूँ किसमें बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बर्तन हमेशा बिजी रहते हैं, हांडी वांडी बिजी रहती है मेरी हमेशा। तो फिर ये बता रही थी, अच्छा हाँ हुआ क्या है, अब थोड़ा सा दिमाग में मेरे निकला है, नहीं तो मेरे को जाना है जाना है जाना है, अंदर से इतना भूत सवार था कि मुझे सुल्तानपुर लोधी जाना है, हैं। और पता है क्या, अगर मतलब कि मैं अकेले जा पाती तो मैं पक्का चली जाती, अकेले जाने की मतलब मैं शुरू से ना, मैं मेरे को बाहर अकेले घूमने की आदत भी नहीं है, मतलब शादी से पहले से पेरेंट्स जाने ही कहाँ देते थे, तो इतना बंदा जो ओपन होता है ना, वो ओपन नहीं हुआ। तो अब जब तक शादी के बाद मैं धीरे धीरे ओपन हो गई दिल्ली में, तो मैं कहीं इधर उधर जा सकती हूँ, पर बहुत ही लंबा सफ़र हो तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे को कोई मतलब प्रॉब्लम हो गई बॉडी में, तो मैं क्या करूँगी, मुझे डर लगता है इसलिए, ठीक है। साथ में अकेले जाने में मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। और पापा आजकल आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं जाऊँगा 15-16 के आसपास पंजाब जाऊँगा। मैंने अभी उनको फ़ोन करके बोला कि मम्मी मेरे को बुला रही हैं एक हफ्ते के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मम्मी मैं पापा के साथ, मेरी भी टिकट, मैं पापा को मैंने बोला मेरी भी टिकट करवा देना, मैं भी चली जाऊँगी, 2-4 दिन पंजाब लगा के आ जाऊँगी, तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैंने हस्बैंड को भी बताया, उन्होंने फ़ोन मिला के दिया, पापा से बात कर ले, मैं कहा ठीक है मैं कर लेती, मेरा क्या जा रहा है। अच्छा दूसरी बात इससे आगे बता रही थी, वीडियो मेरी कहीं ज़्यादा ही लंबी ना हो जाए, 9 मिनट की हो गई है, चलो 2 मिनट और बात कर लेती हूँ। एक तो बहुत सारा सामान है जो मुझे दिखाना है आपको, पर आज नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी ये लेट भी हो गया, कल की वीडियो में दिखाऊंगी कि जो मैंने वहाँ पे शॉपिंग की वो, और घर का भी कुछ सामान कहीं का है, मैंने 30 तारीख को गए थे, उससे पहले का इन्होंने ला के दे रखा है, और वो मैंने अभी डिब्बों में भी नहीं डाला, तो वो मैंने इन्होंने अपनी अलमारी में रखा हुआ है, कहते हैं सामान तो उठा ले, मैंने कहा अभी दिखाया नहीं है, फिर वो अभी वहीं पड़ा है, मेरे को डिब्बों में भी डालना है, तो कल मैं आपको दिखाऊंगी वो सामान क्या है। और उसके बाद जो है, हाँ मैं ये कह रही थी कि जब हम बॉम्बे से वापसी के लिए आए, तो साथी हमारे साथ थी, तो क्या हुआ कि बांद्रा में उसे कुछ काम था, तो वो हाँ एक कपड़ा चेंज करना था, हाँ तो हम लोग पहले वहीं वसई रोड से गए बांद्रा, फिर हमारी जो ट्रेन थी ना वो 5 बजे की थी वापसी की, तो फिर वो कहते फिर हम ना बांद्रा से ही हमने ट्रेन पकड़ ली, स्टेशन अलग था, मतलब जो बांद्रा का लोकल स्टेशन था वो नहीं था, तो ऑटो करके गए दूसरे स्टेशन पे, वहां से हमने अपनी वाली ट्रेन पकड़ ली 4:30 बजे, वहां से हमने ट्रेन पकड़ ली, वो पीछे से जो आ रही थी ट्रेन वो 4:30 बजे वहां पे मतलब आ रही थी, हमने पकड़ ली वो, ठीक है। अभी क्या हो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि सामान सारा रखवा के सीट पे भी मैं बैठ गई, कि पापा ने सामान भी रख दिया, और वो गायब हो गए एकदम से, वो आए नहीं, मतलब साढ़े, और फिर वो ट्रेन चलती चलती आधे घंटे में वही वसई रोड पहुंची, जहां से हमें पकड़नी थी ट्रेन, पर हमने बांद्रा से पकड़ ली, हमने मतलब पहले ही पकड़ ली उसको, ठीक है। तो वसई रोड पे तक इसके पापा जो है ना आके सीट पे नहीं बैठे, अब बता मेरे को इतना वो हो रहा था कि पता नहीं वो चढ़े भी हैं कि गाड़ी में है, और फिर मैं सामान छोड़ के जा भी नहीं सकती थी, मेरे को इनकी आदत भी पता है कि ये जान के इधर उधर छुप जाते हैं या किसी और डिब्बे में चढ़ जाते हैं ताकि मैं परेशान हो जाऊँ, तो मैं आराम से बैठी रही, हार के ना मैंने इनको एक बार फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा भी पता लग जाएगा इनका, फोन से मुझे आइडिया हो गया कि ट्रेन में चढ़ेंगे और इधर उधर छुपे हुए हैं मेरे को तंग करने के लिए, तो ठीक है। और उसके बाद जब वसई रोड आया ना, तो ये ट्रेन से आराम से निकल के स्टेशन पे खड़े होकर फोन कर रहे हैं किसी को आराम दे है, तो मैंने कहा अच्छा तो ये बात है। फिर इन्होंने पूछा कि क्या खाना है, फिर इन्होंने कुछ समोसा चाय ला के दी थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये अच्छा फिर वो आ गए, फिर उसके बाद वसई रोड जब आया ना, तब आए मेरे साथ डिब्बे में, जब वो चली ट्रेन तो आधा घंटे तक ऐसे गायब ही रहे एकदम। अच्छा दूसरी बात ये कहनी थी कि जो मेरे सामने वाली सीट पे थी ना, वहाँ पे एक लेडीज और जेंट्स थे, उनकी सीट थी वो, तो उन दोनों जनों ने एक ही सीट बुक करी थी भाई, उनको टिकट ही मतलब उनकी बुकिंग में एक ही टिकट मिली होगी उनको, मतलब एक ही सीट मिली थी मैं बुक वाली, तो क्या हुआ वो लेडीज थे मेरे सामने अपोजिट साइड में थी ना, तो वो प्रेगनेंट थी, और मैं उसको ध्यान से देख रही थी कि उसके हस्बैंड कितने अच्छे थे, उसका इतना ख्याल रख रहे थे कि मतलब उसको खाना सब चीज उसको मतलब प्रोवाइड कर रहे थे, और यहाँ तक कि वो अगर टॉयलेट भी जाती थी उसके पीछे पीछे जाते थे कि उसका पैर ना स्लिप हो जाए, मतलब मैं उसको देख रही थी, उनका ऑब्जर्व कर रही थी कि उसके हस्बैंड उसका मतलब वो प्रेगनेंट है, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रहे थे उसके हस्बैंड, तो मैंने सोचा वो लेडीज बहुत लकी है जिसको इतने अच्छे हस्बैंड मिल गए।
और हाँ एक बात और कहनी थी कि एक और फिर सवारियां तो आपको पता है चेंज होती रहती हैं, तो बाद में और सवारियां चढ़ी थी जो हमारे पास ही बैठी है, तो क्या हुआ कि एक लेडीज थी, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, दो छोटे बच्चे थे। तो क्या हुआ कि एक जो हमारे और भी सवारियां होती है ना, तो एक जो जेंट्स है ना वो आके उनसे बात बातें करने लग गया बच्चों से, और खास करके वो बात लड़की से बहुत ज्यादा हिल मिल गया मतलब एक तरह से। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा देखो रात का टाइम होने वाला है, मम्मी सो जाएंगी तो है ना, तो फिर ये फिर थोड़ी दो चार थोड़ी देर के लिए फिर आ गया बात करने के लिए। तो मेरे दिमाग खनका, मैंने कहा कोई गड़बड़ ना करे, ये ना कि मम्मी सो जाए और पापा भी सो जाए, इसके बाद सो जाए और ये बच्चे को उठा के चलता बने, मतलब लेके बच्चे को साथ इतना हिल मिल जाएगा जो इंसान। तो क्या होगा कि वो बच्चे को कोई भी लालच दे के अपने साथ मतलब कहेगा चलो खेलते हैं, चलो बातें करते हैं, चलो टॉफी खिलाता हूँ, चॉकलेट खिलाता हूँ, इस तरह का लालच दे के अपने साथ ले जाके अब अगले स्टेशन पर उतर जाए तो कोई क्या कर सकता है बताओ। तो मैं ना उस इंसान को भी बड़ा ध्यान से वॉच कर रही थी कि एक बार आया दोबारा भी आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना बाद में वो सवारी रात को उतर गई है, मतलब आधी रात के आसपास उनका स्टेशन आ गया, वो लोग उतर गए थे, जब मैं हम सो गए सुबह उठे तो वो नहीं थी सवारी, और वो जो आदमी था वो था, उसके कमीज से मैं उसे पहचानती थी वो था। अब देखो वो अच्छा इंसान था, ये मैं मानती हूँ कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, पर फिर भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग कोई बच्चों के साथ जो लेडीज सफर करती हैं और अगर उनको लगे कि कोई जेंट्स उनके लड़की को या लड़के को बहुत ज्यादा मतलब उनसे मिक्सअप हो रहा है, बार बार आ रहा है मिक्सअप हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये तो चलो अच्छा इंसान था पर कई बार अच्छे इंसान नहीं होते हैं। हम लोग अच्छे होते हैं तो हम सोचते हैं सब लोग अच्छे हैं, पर कई बार दूसरे लोगों के बारे में नहीं पता होता, तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अगर कोई आपके बच्चे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो हो सकता है कि बाद में जब आप सो जाए तो वो आपके बच्चे को पुचकार के कोई भी लालच दे के अपने साथ ले जाए, ठीक है, अब स्टेशन से उतर जाए तो आप क्या कर लोगे बताओ, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह की लेडीज को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं देख रही थी क्योंकि ना बहुत साल पहले ऐसा ही हुआ था, एक ट्रेन में जिस ट्रेन में मैं और बच्चे मेरे और हस्बैंड हम चारों, जैसे हम BHEL का टूर पे जाते थे ना, मतलब कि BHEL के गेस्ट हाउस में जब ये खेलने जाते थे तो हम लोग उनके साथ ही घूमने भी जाते थे साथ ही। तो उस समय क्या हुआ था कि ऐसी मतलब मैंने एक किसी और का देखा था कि ऐसे कोई इंसान बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मिक्सअप हो गया और पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, वो सोचा कि चलो बात ही तो कर रहे हैं क्या हो गया, वो बार बार आए बच्चे से जानबूझ के, मतलब कभी हाथ मिला रहा है कभी कुछ, और बाद में जब पेरेंट थोड़े से लापरवाह हो गए तो वो बच्चे को लेके चुपचाप कहाँ बैठा हुआ था, जो ट्रेन की सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां स्टेप्स होते हैं चलती हुई ट्रेन में, वहां बच्चे को लेके बैठा हुआ था गोदी में और छेड़खानी कर रहा था बच्चे के साथ, ठीक है। तो जब पेरेंट्स को पता लगा, पेरेंट्स गए उसके पास और आराम से उस बच्चे को ले आए, उसको कुछ नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि ऐसे लोग जो गलत लोग होते हैं उनके पास कई बार हथियार भी होते हैं, अपने बचाव के लिए लोग हथियार भी रखते हैं। तो उसने उसको कुछ नहीं कहा और आराम से अपने बच्चे को अपने पास मतलब अपने पास रख लिया, उसको मतलब आगे जाने नहीं दिया। और वो जेंट्स ऐसा था लड़का जेंट्स कि वो अगले दिन जब बच्चा सो रहा है सुबह सुबह ट्रेन में, वो तब भी आ गया उसको जगाने के लिए, बताओ। मतलब कि देखो इतना मतलब बच्चे के हाथ वो है कि बच्चे को मैं किसी तरह से उस अलग ले जाऊँ और छेड़खानी करूँ, बताओ। तब पेरेंट्स अलर्ट हो गए थे उसके बाद, जब वो बच्चे को सीढ़ी में लेके बैठा था और छेड़खानी कर रहा था तब पेरेंट्स अलर्ट हो गए थे, उन्होंने नहीं जाने दिया दोबारा बच्चे को, पर वो सवेरे सवेरे सोए हुए बच्चे को जगाने भी आ गया था, बताओ। इसलिए ना पेरेंट्स को थोड़ा सा इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, अगर वो सफर मतलब करते हैं ना, अगर वो ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। चलो ट्रेन मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, मैं कल ही आपको जो है किचन का सामान भी दिखाऊंगी और जो सामान मैं लेकर आई हूँ वो भी कल ही दिखाऊंगी, और मेरे को अभी खाना भी बनाना है। ये देखिए फल नहीं काटे बातें करती जा रही हूँ, ठीक है, अभी फल भी काटने हैं खाना बनाना है। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए और चसारों को अपने आसपास खुशियां बिखेरिए, क्योंकि आप खुद खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल आपसे, टाटा बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, ये मैंने ना खाने का थोड़ा रूटीन चेंज कर दिया है, मेरा रात का डिनर मैं बना रही हूँ अब। पर मैंने पहले सोचा था आलू की सब्जी के साथ चावल बनाऊंगी, आलू मटर की सब्जियाँ, पर अब नहीं, मैंने सोचा घर में बहुत सारी सब्जियाँ बड़ी हुई हैं मेरे पास, शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, गोभी और घिया, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं ना सूप बना लेती हूँ, सूप बनाऊंगी। वो देखो हांडी में बना रही हूँ सूप, और उसमें बाद में दो टुकड़े मैगी डाल दूंगी तो खूब सारा हो जाता है, उससे पेट पूरा अच्छा भर जाता है। तो मैगी कम सूप बन जाएगा, सूप कम मैगी बन जाएगी, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें बहुत सारी वेरायटी की सब्जियाँ हमने डाली होती हैं। तो दो टुकड़े मैगी भी डालो ना, बहुत ज़्यादा बन जाती है क्वांटिटी, तो दो जानों का पेट तो आराम से भर जाएगा। वैसे भी ये देखो एक ये बाउल पूरा
फ्रूट का मैंने उनको दे दिया और एक मेरे लिए, तो इससे पेट हमारा भर ही जाएगा। तो मैं सोची यही कर लूँ, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, तो मैंने कहा बता देती हूँ आपको। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on.